अर्जुन का जब आदित्य को एक्सपोज करने का प्लान पल्लवी की डेड बॉडी देखकर फेल हो जाता है, अर्जुन आउट ऑफ कंट्रोल होकर सबके सामने आदित्य की कॉलर पकड़ता है और आदित्य को ब्लेम करता जाता है। काशवी अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है, पर जब अर्जुन नहीं मानता काशवी अर्जुन को सबके सामने थप्पड़ मार देती है और आदित्य के लिए सबके सामने स्टैंड लेती है। अर्जुन तब भी नहीं रुकता और काशवी आदित्य को लेकर पल्लवी के घर ले जाता है। वहां पल्लवी का घर जलते हुए देखकर अर्जुन फिर से आदित्य को ब्लेम करता है। तब भी काशवी आदित्य के बचाव में अर्जुन से कहती है कि जब ये सब हुआ तब आदित्य उसके साथ था, वो होटल छोड़कर जा रहे थे। बाद में अर्जुन को महिमा से पता चलता है कि करुण को कुछ हो गया है। पुलिस को शक हो जाता है कि करुण जहाँ खेल रहा था उस जगह पल्लवी का मर्डर हुआ, शायद करुण ने मर्डरर को देखा होगा। अर्जुन को शक हो जाता है कि शायद करुण ने आदित्य को देखा होगा और करुण आदित्य को एक्सपोज करेगा। जब अर्जुन और काशवी करुण को रोकने की कोशिश करते हैं तो करुण फुटबॉल देखकर उस मर्डर को याद करता है जो उसने होते हुए देखा था, और करुण चीजें उठाकर अर्जुन पर फेंकता जाता है। जब महिमा करुण को रोकने की कोशिश करती है तो करुण महिमा को थप्पड़ तक मार देता है। जब करुण बड़े टेबल को उठाकर फेंक देता है काशवी और अर्जुन दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। तब काशवी करुण को पकड़ लेती है, अर्जुन उस बॉल को फेंक देता है। डॉक्टर करुण को देखने के बाद पुलिस से कहते हैं कि अब वो करुण का बयान नहीं ले सकती और अर्जुन करुण की हालत देखकर काशवी के गले लगकर रोता है। आदित्य बार बार काशवी से सवाल करने लगता है कि क्या काशवी अब भी तुम्हारे दिल में अर्जुन के लिए फीलिंग से। काशवी आदित्य की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और जब काशवी के कैरेक्टर पर सवाल आता है उनमें जो डील हुई थी उसे काशवी आदित्य को याद दिलाती और ये भी कि काशवी वहाँ करुण के लिए रुक रही है। अर्जुन अपने दिल में जो भी है करुण के लिए चिंता वो सब काशवी के सामने बयां करता है, जैसे कि महिमा करुण की देखभाल नहीं करती, करुण महिमा के साथ सफर कर रहा है और उसे ये तक लगता है कि महिमा करुण की सगी माँ नहीं है। ये सब सुनकर काशवी अर्जुन के इंटेंशन पर शक करने लगती है। तब काशवी अर्जुन से कहती कि उसने खुद महिमा और करुण की डीएनए मैच रिपोर्ट देखी है। अर्जुन अपनी बातों को साफ कर कहता है कि महिमा करुण की केयर नहीं कर पाएगी, इसलिए करुण को काशवी की जरूरत थी, इसलिए अर्जुन काशवी से वादा तक ले लेता है। करुण की चिंता को लेकर काशवी आदित्य से बहस करती और अर्जुन को शक हो जाता है कि आदित्य वहाँ क्यों रुकना नहीं चाहता है, इसलिए अर्जुन आदित्य के खिलाफ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या आदित्य ने किया होगा पल्लवी का मर्डर या फिर किसी और ने, क्या आदित्य की मॉम सुषमा इस सब में आदित्य का साथ दे रही है, क्या और कब काशवी के सामने आएगा महिमा का सच, क्या काशवी और अर्जुन सच जान पाएंगे कि महिमा करुण की माँ है ही नहीं। देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।